गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए व्लॉग में शुरुआत करते हैं मॉस्को में रसिया से। और ये अभी हम रुके हुए हैं, जैसे आपको पता है लास्ट वीडियो में जैसे देखा होस्ट के घर, और अभी उनके मतलब सेटअप पे बैठे हैं हम। थोड़ा हमने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी जाके देखना है कैसे लगता है। अच्छा लगेगा तो आप जरूर कमेंट में बताना। और अभी हम चाय बनाएंगे, ब्रेकफास्ट बनाएंगे, और ब्रेकफास्ट सारा कुछ करके फिर हम जाएंगे मॉस्को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और मॉस्को का दिखाते हैं आपको, अच्छे वाली जो लोकेशन है वो सब कुछ दिखाएंगे यार। तो अभी बनाएं चाय। ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का शौकीन है जो हमारा होस्ट है, और आशा करता हूँ ट्राई करने की, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे। नहीं लगे तो भाई बता देना कहाँ पे गलती हो रही है। मैं इसका प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, पर मैंने सीखा भी नहीं कभी, पर वैसे ही मज़े लेने के लिए चार ट्यून निकाल लेते हैं। दोस्तों चाय तो नहीं बनाई, कॉफ़ी बना ली, क्योंकि चाय बनाने के लिए हमारे होस्ट के पास चाय पुण्य नहीं होती है, जिसको बोलते ना झरनी होती है वो नहीं है छानने के लिए। तो भाई कॉफ़ी बना ली हमने, कॉफ़ी बन गई है, कॉफ़ी ज़्यादा उबल गई है इसमें बनाई। आपको पता है ये एक बार उबलने लग जाता है तो फिर बाहर निकलती है, तो यहीं पर वाटर है हमने थोड़ा सा कर दिया। तो काम दिमाग लगाना चाहिए एट ए टाइम, ठीक है। तो अभी चाय सर्व करते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलते हैं मॉस्को। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, देखो कॉफ़ी है, कॉफ़ी है, ब्रेड खाएंगे कॉफ़ी के साथ, और ये चीज़ तो यार मेरी फेवरेट है, अच्छी सुबह सुबह ये खानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये मैं स्पेशल ले गया ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि इससे पता क्या एनर्जी बहुत मिलती है, मीठा होता है ना, और वैसे भी मेरे यार इसी फेवरेट है ये। और ऊपर से सस्ता मिल रहा था यहाँ पे रशिया में, पता नहीं ये 25 रुपए का मिला था और वो 21 रुपए का, तो मैंने कहा भाई रूबल हो गया सेम ही बात होगी, मैंने कहा ले चलो ब्रेकफास्ट में अच्छा काम आ रहा है। तो अभी ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, प्रगट नहा रहा है, नहा के आ रहा है, ब्रेकफास्ट फिनिश करके फिर चलते हैं शहर के अंदर घूमने के लिए। दोस्तों अभी हम आ गए हैं रेड स्क्वायर के लिए, और उसके लिए हमने हमारे होस्ट के घर से 2 मेट्रो चेंज की थी, और मेट्रो स्टेशन वो है उस साइड में, और ये यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट बने हुए आप देख सकते हो। और वेदर तो आज बादल नहीं है, बाकी नीला आसमान है यार, नीले आसमान के ऊपर देख सकते हो। इधर ये कोई बिल्डिंग बन रही है, आई थिंक कोई मंदिर वगैरह है, पता नहीं मंदिर तो यहाँ पर क्या होगा यार, यहाँ पर तो और मतलब ओल्ड टाइप का आर्टिक्च किया हुआ है यहाँ पर, और इस साइड में ये रेस्टोरेंट है, बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है वाकई में यार। और इस साइड में एंट्री है रेस्टोरेंट की आई थिंक, और ये भी एक रेस्टोरेंट है। तो अभी जा रहे हैं रेड स्क्वायर, तो चलो चलते हैं। दुनिया के सबसे महंगे शहर की एक ऐसी लोकेशन पे जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो अभी इसका ये बैकग्राउंड व्यू है देखो, ये लुई वुटन का एलवी का शोरूम है देख लो, मतलब यहाँ पे पूरे लग्जरी ब्रांड का ये शोरूम है ऐसे देख सकते हो। और इस साइड में ये जो रेड स्क्वायर है उसकी अपोजिट साइड की बिल्डिंग है, और बहुत ही खूबसूरत है देखो यार आप, और जो मेन वो देख सकते हो आप उस साइड में, तो यार बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, टूरिस्ट की तो भरमार है यार। आई थिंक ये सारे रशियन ही होंगे या कुछ और कंट्री से भी होंगे, क्योंकि ये सारे शक्ल से एक से लग रहे हैं यार मेरे को, चीनी चुनी वगैरह कोई दूसरा फ्लेवर नहीं आ रहा इनमें, तो आई डोंट नो। तो बाकी चल कोई भी है, बहुत अच्छा फील हो रहा है यार यहाँ पर, मज़ा आ रहा है यार। सोवियत कंट्री का ये सबसे बहुत ही फेमस प्लेस है ये रशियन, आपको पता ही होगा रशियन कल्चर में आपको ये फ़ोटो आपने हर जगह देखा होगा यार, ये जो आपको दिखाई दे रहा ना वो। दोस्तों जो आप देख रहे हो ना मॉस्को स्क्वायर, जो ये 1156 ईस्वी में बना था,
और बहुत ही ब्यूटीफुल है यार वाकई में। जो ये हरी बिल्डिंग है जिसका नया आर्टिस्ट हो रहा है, मतलब ये तैयार हो रही है और बहुत ही खूबसूरत है यार। अब ये चर्च है इस साइड में, और चर्च में जो म्यूजिक चल रहा है, घंटे बज रही है, बैल बज रही है, वो बैल बज रही है। बहुत सारे टूरिस्ट यार आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेन अट्रैक्शन है ना, तो बहुत सारी आनी है, ये तो लाजमी बात है यार। और बहुत ही ब्यूटीफुल है, देख सकते हो यार क्या बात है यार। ऊपर वेदर देखो यार, अब इस वेदर में ये क्या चीज़ लग रही है यार, क्यों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो वाह यार अमेजिंग। मुझे तो 100% बहुत खुशी हो रही है यार इस प्लेस पे आके। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप रसिया में आओ कभी इन फ्यूचर आओ तो मॉस्को के रेड स्क्वायर पे जरूर आना, ठीक है ना। तो अच्छा लगा यार, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो पूरे एक्सप्लोर करने के बाद में दोस्तों हमने सोचा भी इतनी दूर आए हैं तो इसके अंदर भी जाया जाए, तो अभी जा रहे हैं रेड स्क्वायर के अंदर, तो चलो चलते हैं अंदर। हम उस फ्रंट साइड में वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे लिखा है नो एंट्रेंस, तो एंट्रेंस है नहीं वहाँ पे। अभी आगे जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके चार्जेस होंगे आई थिंक, आई डोंट नो क्या लिखा है, पता नहीं यार। अभी यहाँ पे पूछते हैं, मतलब आई थिंक वहाँ से टोकन लेके इधर अंदर टिकट ऑफिस है, अंदर जाके देखते हैं क्या होता है यार। तो अभी रेड स्क्वायर के अंदर जा रहे थे तो यहाँ पे भाई मिले हैं। ये है भाई, रसिया से ही हैं, जॉर्जिया वाली साइड से हैं। नेम ईगल भाई है, तो अच्छा लगा मिल के। ये इंडिया में गए तो नहीं है पर बॉलीवुड को जानते हैं, ये अच्छी बात है यार। थोड़ी इंग्लिश इनकी ठीक है, मेरी जितनी है, मतलब ज़्यादा मेरी भी अच्छी नहीं है, पर अच्छा लगा मिल के। नाइस टू मीट यू एंड वेलकम टू इंडिया। थैंक यू सर। एंड वन थिंग आई वांट टू से टू माय ऑडियंस, तक पेंदी है, तक पेंदी है, पेंदी है, तक पेंदी है, पोले पोले, हाँ से गुड। तो तक पाती है, तो पाती है, तुसी भी पा लो, ठीक है। तो भाई टिकट काउंटर पे बात की तो उन्होंने बोला भी अभी ऑफिशियली इसको बंद किया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई किया हुआ है, तो ज़्यादा मेरे को अंडरस्टैंड आई नहीं, क्योंकि वो रशियन बोलते हैं और मेरे को इंग्लिश में उनको समझा नहीं पाया, और वो भी समझ नहीं पाया। उन्होंने सिर्फ मेरे को बोला नियत इंट्रेंस, सो आई थिंक इट्स ओके, नहीं एंट्री दे रहे भाई नहीं। अभी ये पता नहीं भाई क्या बन रहा है, दूर से तो ये ऐसे लग रहा है जैसे डिजाइन किया हुआ ना, पर ये सारी वॉल लग रही है, वॉल के ऊपर पेंटिंग सी लग रही है। अभी ये देख सकते हो इस रेड स्क्वायर की ये फोटो लगी है, हिस्ट्री होगी, आई डोंट नो क्या यार, इंडियन हिस्ट्री नहीं जान पाते ज़्यादा, तो ये कहाँ से पता लगेगी। वैसे आपको थोड़ा सा इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, ये देखो मदर गॉड साइंस विद द सेंट इन द मेरिजेंस लेटेस्ट पॉइंट। यार छोड़ो यार, अपने अपने बस का नहीं है ये सदा, तो अपने चलते हैं आगे, तो अभी आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम खड़े हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर व्यू यार वाकई में लाजवाब व्यू आ रहा है, रियलिटी में बता रहा हूँ, मज़ा आ गया इस व्यू को देखने के लिए। वहाँ से मैं चल के आया हूँ क्योंकि ये एक ऊंची जगह पर है, और पीछे आप देख सकते हो ये रसिया का मेन व्यू पॉइंट कह सकते हो, क्योंकि ये रेड स्क्वायर के अपोजिट साइड में है। तो देख सकते हो दोस्तों यार वाकई में क्या व्यू है ना। और यहाँ पे देखो पब्लिक यार सारा, मतलब बाई वॉक, बाई सिस्टम, बाई ट्रांसपोर्ट, इनका इतना अच्छा सिस्टम है ना यार, बहुत ही अच्छा सिस्टम है यार। मतलब कैपिटल एक तो अपनी दिल्ली भी है, आप मतलब वहाँ पे जाना, क्या नाम, रेड फोर्ट पे जाना, इंडिया गेट जाना, सेंट्रल सेक्रेटरिएट जाना, वहाँ से यहाँ पे कंपेयर कर लेना गंदगी और सारा कुछ, ट्रैफिक सिस्टम सारा कुछ देख सकते हो आप। लोग पब्लिक जो है ना ट्रैफिक के रूल को इतना फॉलो करते हैं कि पूछो मत यार। देखो ब्यूटी ऑफ मॉस्को सिटी, रियली वेरी इंप्रेसिव यार, यू कैन इमेजिन हियर। तो जो रेड स्क्वायर है उसके अंदर एंट्री तो नहीं मिली, आई थिंक ड्यू टू कोविड हो सकता है यार, नहीं तो कोई और बड़ा रीज़न नहीं हो सकता। अंदर एंट्री नहीं है, हमने टिकट वाले काउंटर पर जाके पता किया तो नहीं मिली। तो ये देखो व्यू इस साइड में, वो दूसरी साइड अपोजिट साइड थी, अब हम बैक साइड में आ चुके हैं। ये इसका बैक साइड का व्यू है और पूरा अच्छा व्यू है यार, बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हो आप, मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया यार। सफाई, वेदर, अभी मतलब वेदर इतना शाइन वेदर है ना, इतना साफ वेदर है यार, क्लियरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है वेदर में, मतलब सफाई बहुत ज़्यादा है यार। आप बादल देख सकते हो, इससे देख सकते हो, पीछे ब्लू स्काई देख सकते हो यार, रियली वेरी इंप्रेसिव यार। तो मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा यार वाकई में यार, जो सोचने हैं उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, देख सकते हो आप। देखो यार बादलों की देखो क्या बात है यार, अमेजिंग।
तो दोस्तों ओनली रेड स्क्वायर ही एक अच्छी जगह नहीं है रसिया में, मॉस्को में। यहाँ पे बहुत सारा अच्छा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप आओ ना तो सेंटर ऑफ रसिया। यहाँ पे म्यूजियम और जो मतलब पुरानी बिल्डिंग है इतनी खूबसूरत है ना यार, हर जगह आप अगर स्ट्रीट पर देखोगे ना तो हर चीज़ आपको मतलब पूरी अच्छी से अच्छी मिलेगी। तो कोई मतलब आपको वो तो फील ही नहीं होने वाला यार भाई कहाँ से क्या होना है, क्या से कहाँ होना है। एक चीज़ मेरे को रोज़ प्रॉब्लम हो जाती है यार, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड वॉकिंग है ना और लेफ्ट हैंड ही ड्राइव है, तो मैं इस साइड में चलना था, मैं उस साइड में अपने इंडिया की तरफ उस साइड में चल रहा हूँ यार, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है यार यहाँ पे। बाकी धीरे धीरे हो जाएगी एडजस्ट, कोई बात नहीं। अभी रसिया का सारा हमें सिस्टम तो समझ में आ गया, रेड स्क्वायर घूम के आए हैं, सारा कुछ मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, यहाँ पे हर चीज़ एकदम बहुत ही खूबसूरत है यार। अगर आप रसिया में आओ ना तो आई थिंक आपको 10 दिन का प्लान होना चाहिए यार, कम से कम 10 दिन का। हमारा तो बहुत ज़्यादा, हमारा तो 25 दिन का प्लान है। अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे पूरा, एकदम चकाचक काम करेंगे, व्लॉग अच्छे से अच्छे आते रहेंगे एकदम, मतलब हम हमारा 100% दे रहे हैं यार। तो आप भी प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा करो, इन्जॉय किया करो, जो कमी हो वो बताया करो, जो भी आप कमेंट करोगे आपको रिप्लाई मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज किया करो, आपको कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका भी जवाब दूंगा, हर चीज़ का आपको मैं जवाब दूंगा। मेरे को तो मैं यहाँ पे गलत आ गया, आगे जाना था, चलो उस साइड में चलता हूँ। तो हर चीज़ का आपको रिप्लाई मिलेगा यार, क्योंकि भाई आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने स्टार्टअप किया है, आप भी स्टार्टअप करो, यूट्यूब स्टार्ट करो, ट्रैवलिंग स्टार्ट करो, एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि इंडिया में ऑडियंस बहुत ज़्यादा है यार, ह्यूज रेंज में है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा, और स्ट्रगल करोगे तो भाई सक्सेस मिल ही जाएगी, ये तो 100% ही है यार। तो इसलिए आप ज़रूर ट्राई करो ट्रैवल करने की। और अभी मॉस्को का टाइम तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टाइम हो गया 8 बज गए रात के, और अभी तो पूरा एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मज़ा आ रहा है। तो रेड स्क्वायर भी बहुत अच्छा था, तो आशा करते हैं ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है। लगा दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार, वो तो कर ही दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।